तो जैसे कि दोस्तों पार्ट वन में जो गेम का मेन कैरेक्टर है वो कैसे घर से निकलता है उनके बेटे को बचाने के लिए, पैसा इकट्ठे करने के लिए, और कैसे एक जगह में वीराने जगह में फंस जाता है, कुछ भेड़िया और ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिए हैं उनके ऊपर, कुछ झुंड के लोगों कैसे उनको बचाते हैं, और उसके बाद कुछ टास्क देते हैं और उसके और वो टास्क को हम पूरा भी करते हैं, और एक दिन जोम्बी उसने हम पर अटैक कर दिया और उस जोम्बी अटैक में हमारा एक बंदा मर भी गया और हमने भी बहुत सारे जोम्बीज को मारे और उसके बाद अंतिम संस्कार हुआ था। अभी देखते हैं पार्ट 2, चलिए खेलते हैं। पर दोस्तों गेम के लीडर जो कि है हमें बता रहे हैं बहुत सारे क्रिएचर आ गए हैं, बहुत सारे जंबी आ गए हैं, और ये वाला आग लेके तू उनको रोकने की कोशिश करो, मैं यहाँ पर तब तक मैं रास्ता ढूंढता हूँ इधर से निकलने के लिए। तो चलिए हम आग लेके ज़ॉम्बीज़ को रोकने की कोशिश करते हैं। Идите, без меня. Мои дни сочтены, ваши еще нет. Я задержу их. यहाँ पर दोस्तों जो गेम का एनोट होता है जो हमारी जान बचाई थे वो बोल रहे हैं मेरे बिना तुम इधर से चले जाओ, मैं ज़ॉम्बीज़ को रोकने की कोशिश करता हूँ, अगर मुझे तुम लेके जाओगे तो मैं भी ज़ॉम्बी बन जाऊँगा और मैं भी तुम्हारे ऊपर अटैक कर दूंगा, इसलिए तुम लोग मुझे छोड़ के जाओ। तो चलिए दोस्तों हम उनको छोड़ के जाते हैं। दोस्तों गेम का जो मेन कैरेक्टर है पीटर वो सोच रहा है कि वो उदास है लेकिन अभी तक वो टूटा नहीं है, एक चमत्कार में विश्वास रखता है। वो अभी भी सोच रहा है उनका बेटा बच सकता है, कुछ चमत्कार होने वाला है, और वो आग में भी कूद जाने को तैयार है, लेकिन उनका बेटा जैसे भी करके बच जाना चाहिए। वो सब कुछ करना चाहता है जिससे कि उसके बेटे बच सके। अब दोस्तों गेम का जो लीडर है हमें वो बुला रहा है, पीछे मत रहो बोल रहा है, ओ शिट, वो बोल रहे हैं कि गेम का लीडर बोल रहे हैं आगे इलेक्ट्रॉनिक दीवार पड़ चुका है जिससे हम पार नहीं जा सकते, हमको नहीं तो करंट शॉक लगेगा, कुछ उपाय ढूंढना पड़ेगा, चलिए दोस्तों हम कुछ जुगाड़ करते हैं। अब ये अंधेरे में हमको मिल गया हथौड़ा, हथौड़े से क्या करेंगे चलिए देखते हैं। ओ भाई साहब सामने तो एक क्रिएचर है भाई, जोम्बी भी इधर भी जोम्बी है भाई, चलो हथौड़े से उसको देते हैं, उसको मारना पड़ेगा नहीं तो नहीं जा पाएंगे इधर से। मार मार साला मार मार, हर तरफ जोम्बी। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्या करना पड़ेगा, इसको बंद करने के लिए इसमें चाबी लगाना पड़ेगा पाइप में, तो चलिए ढूंढते हैं चाबी। हमको यहाँ पर एक छोटा चाबी मिल रहा है, दिख रहा है, चलिए इसको पिकअप करते हैं, और ये छोटा वाला चाबी तो इधर नहीं लगे भाई, तो आई थिंक हमने जो पहले दरवाज़ा देखा था उधर एक चाबी लगा था, उधर से ये चाबी खुलेगा, उसके अंदर शायद वो पाइप वाला चाबी होगा, चलिए दोस्तों उसको ढूंढते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं वही जगह पर, टॉर्च मार के आपको दिखाता हूँ, ये है, ये इससे वो वाला चाबी से ये वाला ताला खुलेगा और इससे हम खोलते हैं दोस्तों, चलिए इसको खोला जाए। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमको वो पाइप वाला चाबी भी मिल चुका है, इससे उसको लगा के घुमाना पड़ेगा, इससे इलेक्ट्रॉन लाइट बंद होगा दोस्तों और हमें रास्ता मिलेगा आगे जाने के लिए। तो चलिए दोस्तों इसको हम पाइप पे लगाते हैं, और यहाँ पर दोस्तों हमने उसको लगा के घुमा भी दिया है, तो अब शायद इलेक्ट्रॉन लाइट बंद होगा, चलिए देखते हैं। हाँ दोस्तों ये बंद हो चुका है, तो हम अब जा सकते हैं इस रास्ते से। तो चलिए दोस्तों आगे की सफ़र हम तय करते हैं, चलिए।
पर दोस्तों गैंग के लीडर जो कि आगे खतरा है बोल के हमको गन थमा दिए हैं। ओ भाई साहब यहाँ तो ज़ॉम्बी है, हमको मार मार के जाना पड़ेगा, शायद रास्ते भर ज़ॉम्बी मिलेंगे। और यहाँ पर हमने ज़ॉम्बी को मार चुके हैं, इसे मार के जाना पड़ेगा नहीं तो ये हमें मार देंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं कितने सारे ज़ॉम्बी आते हैं रास्ते में, अंधेरे में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहे हैं ये साले ज़ॉम्बी सामने आ जाते हैं। हम अगर इनको नहीं मारेंगे तो ये हमें मार देंगे दोस्तों। यहाँ पर हमने बम बम भी मार दिए हैं। चलिए दोस्तों बहुत सारे ज़ॉम्बी को मार चुके हैं यहाँ पर। ओ भाई साहब ये क्या उड़ रहा है, अब तो कुछ हो रहा है यार। तो फाइनली दोस्तों हम गेम के लास्ट स्टेज पे आ चुके हैं और यहाँ पर आप लोग सभी देख सक्ते हो यहाँ पर एक बड़ा सा क्रिएचर दिख रहा है और वो बता रहा है कि मैं ही हूँ सब कुछ और मेरे अंदर सब कुछ है और मैं जान देता भी हूँ और जान लेता भी हूँ। और तुम जो मिरेकल की बात कर रहे थे ना, वो मिरेकल मैं ही हूँ और तुम्हारे जैसे इंसान की मुझे ज़रूरत थी। मुझे तुम्हारी मौत से मुझे ताकत मिलती है और तुम्हारी मौत से तुम्हारा बेटा बचेगा और एक दिन तुम जैसे आए हो तुम्हारा बेटा भी मेरे आवाज़ से वैसे ही यहाँ पर आएगा। और इसी के साथ दोस्तों ये वाला गेम ख़त्म होता है। आई होप दोस्तों ये स्टोरी विथ गेम प्ले आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्ते और टाटा बाय बाय।